इंदौर में आने वाले दिनों में मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का एक लाइव कंसर्ट होना है। उसके टिकट ऑनलाइन तरीके से लगातार वेबसाइट के माध्यम से बेचे जा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के टिकट बेचने के नाम पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने केस रजिस्टर कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि कार्यक्रम को लेकर किसी भी ऑनलाइन लिंक का प्रयोग ना करें, कार्यक्रम की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर ही टिकट खरीदें, नहीं तो इस तरह से कई और लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं। फ्रॉड का मामला सामने आया जिसमें दिलजीत दोसांझ जो सिंगर है उनका एक दिसंबर में यहाँ पर एक कंसर्ट होना एक प्रस्तावित है इंदौर में, तो इसको लेकर के इंस्टाग्राम पे जो फरियादी है उसके द्वारा बताया गया, इंस्टाग्राम पर उसको एक मैसेज आया, उसको एक लिंक दिखाई दी और बताया गया कि दिलजीत दोसांझ के चूंकि टिकट कहीं नहीं मिल रहे हैं तो उसे ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए और एक फेक वेबसाइट पर वो चला गया और वहाँ पर उसको बताया गया कि वो ऑनलाइन टिकट प्रोवाइड करा रहे हैं और जैसे सो से कुछ दिन पहले उसको टिकट मिलेंगे और उसके बाद से उससे लगभग 90,000 से 1,00,000 रुपए तक का उससे पैसे ले लिए और जब उसने टिकट मांगे तो उसके बाद वेबसाइट से वो बाहर हो गया, वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। तो इसी स्थिति में फिर उन्होंने आकर जब उनको पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया तो उन्होंने यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा किसी भी तरह के जो ऑनलाइन टिकट्स का जो लालच देते हैं लोग, ये ऑफिशियल नहीं होते हैं और नहीं इनके पास कोई टिकट होता है, ये सिर्फ आपसे पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या तो वो खुद ब्लॉक कर देते हैं आपको या फिर वो वेबसाइट भी बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो ऑफिशियल जो लीगल प्लेटफॉर्म है जो भी ये जो कंसर्ट शो कराते हैं वो ऑनलाइन जो टिकट होता है उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है उसी से ही आप टिकट खरीदें, अदरवाइज आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे और अगर उसके आप उसके बाद भी अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक युवक की शिकायत पर मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के इंदौर के होने वाले कार्यक्रम के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में केस रजिस्टर करवाया है। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम के लिए उसने ऑनलाइन तरीके से टिकट बुक करने की कोशिश की और इंस्टाग्राम के माध्यम से उसे एक लिंक मिला। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक कर मांगी गई जानकारी दी, उसके बाद जब टिकट बुक करने को लेकर एक लिंक पर क्लिक किया और अकाउंट की डिटेल फिल की और लिंक पर क्लिक कर बैंक डिटेल भेजी, तभी उसके अकाउंट से अचानक 90,000 रुपए कट गए, लेकिन 90,000 रुपए कटने के बाद भी टिकट बुक नहीं हुआ। धोखाधड़ी का शिकार हुए युवक ने पूरे मामले की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को दी है।